नमस्कार मित्रों, सो स्वीट किचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम बनाते हैं पारंपरिक व्यंजन बिल्कुल पारंपरिक पद्धति से। दीपावली का पर्व अभी खत्म नहीं हुआ है। दीपावली के बाद हमें वेद लगते हैं तुलसी विवाह के। तुलसी विवाह जो एकादशी के दिन शुरू हो जाएगा, तुलसी विवाह, और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा भी बड़ा त्योहार होता है हमारे लिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बादाम पिस्ता रोल की रेसिपी। तुलसी विवाह में आप ये जरूर एक बार ट्राई करके देखें। ये दरअसल काजू पिस्ता रोल की फरमाइश की थी हमारी व्यूअर अरिका जी ने। दिवाली पे उन्होंने बोला था मुझे कि मैं उसकी रेसिपी शेयर करूं, लेकिन माफी चाहती हूँ अरिका जी, दीपावली पर व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पाई, वो वीडियो नहीं बना पाई। तो सोचा आपके लिए स्पेशल शाही बादाम पिस्ता रोल बनाती हूँ। काजू पिस्ता रोल तो आपने बहुत देखे होंगे, तो ये बादाम पिस्ता रोल मैंने बनाए हैं, और इसको मैंने दो तरह से बनाया है। कैसे किया है वो आप वीडियो में देखिए। बादाम पिस्ता रोल के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम बादाम लिए थे, और 250 ग्राम बादाम को मैंने पहले एक घंटा उबलते हुए खोलते हुए पानी में भिगो के रख दिया था, तो उसका छिलका उतर गया। उसके बाद मैंने इसको 3-4 घंटे सादे पानी में भिगो के रखा, जिससे कि एकदम देखिए इस तरह से आपस में इसके दो टुकड़े ऐसे हो रहे हैं। ये इसलिए किया क्योंकि हमें इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है, तो सिर्फ उबलते हुए पानी में छिलका उतार के काम नहीं चलेगा। स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए अच्छी तरह, जिस तरह काजू भीगता है वैसे बादाम भीगना जरूरी है, तो वो मैंने करके तैयार कर लिया। तो ये 250 ग्राम काजू है, और करीब 125 ग्राम के आसपास, 125 ग्राम के आसपास शुगर है। ये मेरी मधुर शुगर है, इसलिए मैंने इसको पाउडर कर लिया है, क्योंकि मधुर शुगर का दाना बड़ा होता है इसलिए। और पिस्ता लिया है हमने फिलिंग के लिए। अब जो हमने शक्कर ली थी उसी में से एक चम्मच शक्कर मैं इस पिस्ता पाउडर में मिक्स कर रही हूँ। आप कैसा मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से लें, इसमें कुछ हो ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा ले सकते हैं। और सिर्फ एक चम्मच, एक से डेढ़ दो चम्मच जितना दूध, इसको थोड़ा हल्का सा गीला करने के लिए, ज़्यादा नहीं लेना है, मिक्स कर देंगे। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई, इसको एक तरफ रखेंगे। ये बादाम जो मैंने पीस लिए, इनको एकदम फाइन पेस्ट बनाने की कोशिश की, जितना हो सके उतना फाइन पेस्ट बनाए, और पल्स मोड पे पीसना है, 1 या 2 3 ऐसी स्पीड से नहीं पीसना है, नहीं तो इसका बादाम का तेल छूट जाएगा और फिर हमारा रोल, कतली, जो भी आप बना रहे हो अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं इसमें शक्कर मिला के और एक 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी, तो शक्कर अपना पानी छोड़ देगी और उसके बाद इसको पकाएंगे हम। अब मैंने यहाँ मोटे पैंदे का बर्तन लिया है, उसको थोड़ा हल्का सा घी लगा के इसको थोड़ा सा चिकना कर लेना है, उसके बाद इसमें मिश्रण डाल के पकाना है हमें। ये मैंने इसमें बादाम और शक्कर का मिश्रण डाल दिया है। अब इसको हमें मंद आंच पे ही पकाना है और हिलाते हुए पकाना है कंटिन्यूस, इसको छोड़ना नहीं है। छोड़ा तो कढ़ाई पे पैंदे पे लग जाएगा मिश्रण, आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन भी काम में ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि हमने पीसने के बाद इसमें शक्कर डाल के इसको रखा क्यों, तो उसके पीछे वजह यह है कि शक्कर मिला के पेस्ट को रखने से क्या होगा कि शक्कर अपना पानी छोड़ देगी, तो मिश्रण गीला हो जाएगा, और फिर जब हम इसको सेकना शुरू करते हैं तो कम समय में ही मिश्रण सेक कर अच्छा तैयार हो जाता है, तो हमारा रोल या बर्फी जो भी बना रहे हैं वो सॉफ्ट रहेगा। और अगर आपने डायरेक्ट पैन में बादाम या काजू का पेस्ट और शक्कर मिला के सेकना शुरू किया, तो उसका क्या होगा कि गर्मी से फिर वो शक्कर पिघलेगी, फिर उसका शक्कर का पानी सूखेगा, तो उस प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा देर गैस पे रहने से कड़क भी हो सकती है हमारी बर्फी या रोल जो भी बना रहे हैं। तो ये मुख्य कारण है शक्कर पेस्ट में मिला के रखने के पीछे। ये हलवाई का टिप है, मेरे चाचा जी ने दिया हुआ टिप है ये। तो अब इसको मिश्रण को हिलाते हुए मैं इसको भूनूंगी, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इसमें, बस लगातार हिलाते हुए इसको चलाते हुए भूनना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी बीच में, ये तो वो चिपक जाएगा। अभी मिश्रण हमारा आधा पक गया है, इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। घी डालने से इसमें चमक अच्छी आती है, इसलिए डालना होता है, लेकिन वो आधा पकने के बाद डालना होता है, पहले नहीं डालना है। और इसको और थोड़ा पकाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इसका एक थोड़ा सा हिस्सा लिया बादाम पेस्ट का, गोला बनाया, गोला बन रहा है लेकिन अभी भी थोड़ा हाथों को चिपक रहा है, तो थोड़ा और इसको पकाना पड़ेगा। अच्छा, अब एक आपको और चीज बता दूं, पहली बात तो ये कि हमने जो वजन करके लिए बादाम, तो वो छिलका उतारने से पहले वजन करना है,
आप नहीं तो क्या करेंगे, छिलका उतारने के बाद अगर वजन करेंगे और फिर आपके शक्कर का प्रमाण बिगड़ गया तो आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं ठीक से, रेसिपी ठीक नहीं है। तो बादाम छिलका उतारने से पहले वजन करना है, उसके बाद उसका छिलका उतार के और उस हिसाब से आपको शक्कर लेनी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये बता दूं आपको कि अब शक्कर का जो प्रमाण है हमने करीब 250 ग्राम में, उसका आधा यानी 125 ग्राम से 130 ग्राम के आसपास ली है। वैसे तो शक्कर का प्रमाण काजू कतली बादाम कतली इसमें 1 किलो में 800 ग्राम का परफेक्ट होता है, लेकिन कुछ कम मीठा अगर खाना पसंद करते हैं तो आप उसका आधा ले सकते हैं, लेकिन 1 किलो में 500 ग्राम से कम आपको नहीं लेना है, उतना तो लेना ही है। उससे कम लिया तो आपकी जो बादाम या काजू का जो भी मिश्रण होगा वो ऐसे गोला नहीं बनेगा और फिर उसकी अच्छी तरह से बर्फी आपकी कतली जमेगी नहीं अच्छे से, तो वो आपको प्रमाण का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए टिप्स कुछ। अब ये मिश्रण अच्छे से तैयार होने लग गया है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसके अच्छे से गोली बन रही है हाथ में। अब बस इस वक्त गैस बंद कर दूंगी मैं और इसमें जिस भी बर्तन में हम पका रहे हैं उसी बर्तन में हमें इस मिश्रण को हल्का गुनगुना कर लेना है, उसके बाद इसको बेलने के लिए निकालेंगे। अभी बादाम पिस्ता रोल है तो इसमें मैं और कोई फ्लेवर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ ये थोड़ा सा केसर मैंने भिगो के रखा था वो इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, उससे स्वाद बेहतरीन हो जाएगा। और ये मिश्रण में इसलिए डाल रही हूँ ताकि पूरे मिश्रण में इसका अच्छे से कलर और स्वाद आ जाए। अब ये मिश्रण मैंने अच्छी तरह से हाथ से इसको मल लिया है और ये मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है, बटर पेपर पे इस मिश्रण को रखेंगे हम। इसको बटर पेपर को भी थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है, इसके ऊपर चाहे तो दूसरा शीट लगाए नहीं तो बेलन को चिकना करके उससे डायरेक्ट हम बेल सकते हैं इसको। इसको थोड़ा पतला बेलना है क्योंकि रोल बनाना है, पर इसकी अगर आपको इस वक्त बादाम कतली करनी है तो आप इसको थोड़ी मोटी बेल सकते हैं और बस इसको बेल के काट ले और आपकी बादाम कतली बन जाएगी। तो अभी फिलहाल हम रोल कर रहे हैं इसलिए थोड़ा इसको पतला बेलेंगे। ये हमारा रोल बेल के तैयार हो गया, ये देखिए मैंने इसको एकदम पतला बेला है। अब इसके ऊपर पिस्ता का मिश्रण फैला देंगे हम। पिस्ता फैलाने के बाद इसको जो इसकी चौड़ी साइड है उस साइड से इसका रोल बनाना शुरू करेंगे, एकदम हल्के हाथों से बनाना है रोल। पहले एक थोड़ा सा पहला जो कॉर्नर है वो थोड़ा दबा देंगे, फिर बटर पेपर निकालते जाएं और इसका धीरे धीरे टाइट रोल बनना चाहिए, उस चीज का ध्यान रखें। अब इस रोल को मैं दो हिस्सों में काट लूंगी और यहां मैंने ये दूसरा बटर पेपर लिया उसको ग्रीस कर दिया। अब इसको हल्के हाथों से इस रोल को हमें इस तरह से पतला करना है थोड़ा। ये मैंने इसको पूरा ऐसे देखिए इतना पतला कर दिया है। अब आप चाहें तो इससे भी पतला कर सकते हैं, जैसा बाजार में मिलता है वैसा एकदम पतला, पर मैं इसको थोड़ा मोटा ही रख रही हूँ। अब इसको हम काट लेंगे अपने मनचाहे आकार में। इसको काटने के लिए पहले इसके जो किनारे हैं वो काट के अलग कर लें ताकि वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे। अब इसको जो जितना बड़ा छोटा शेप चाहते हैं वैसा काट सकते हैं, ये देखिए मैं ये इसके पास में ये रख के काटूंगी। इससे क्या होगा कि एक जैसे आकार में कटेंगे हमारे पिस्ता रोल। रोल एकदम टाइट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। ये देखिए मैंने काट लिया पिस्ता रोल और काटने के बाद भी हल्का सा ऐसे हाथ से घुमा ले तो एकदम गोल हो जाएगा। अब इसमें पिस्ता थोड़े कम दिख रहे हैं कि मेरे घर में बच्चे पिस्ता थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो मैंने इस प्रमाण में 50 ग्राम पिस्ता ही लिया है। आप चाहे तो इसी प्रमाण में 100 ग्राम भी ले सकते हैं तो आपको पिस्ता अंदर ज्यादा होगा फिर। तो ये बस तैयार है, दूसरा रोल भी मैं इसी तरह से काट कर तैयार कर लूंगी। चलिए दूसरा आपको एक इसका बता देती हूँ तरीका। वो तो हमने कैसे किया था कि इस तरह का जो मोटा रोल था उसको पतला करके और फिर उसके रोल हमने कट किए थे। एक और तरीका ऐसा है कि जो हमने पहले जो रोल बनाया था मोटा उसी रोल को फिर हम इस तरह से काट देंगे। कुकीज का कैसा होता है आकार कह लें या साइज जितना होता है कुकीज का, कुछ उस तरह से
इस तरह से काट देंगे तो ये भी बहुत ही बढ़िया दिखेगा, बहुत बढ़िया होगा। ये देखिए, तो आपको वापस रोल करने की जरूरत नहीं, ये इस तरह से थोड़ा पतला वन बाइट हो जाएगा ये रोल खाने के लिए। तो इस तरह से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपको पसंद आया होगा आज जरूर। चलिए काट लेती हूँ मैं भी इसको, इसी तरह से काट के तैयार कर लेती हूँ, फिर हम इसकी डिश तैयार करते हैं अपनी। तो ये हमारे बादाम पिस्ता रोल तैयार है। कुछ को मैंने सिलेंड्रिकल शेप में किया है और कुछ मैंने कुकीज के शेप में रखे हैं। तो अलका जी, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको जो रेसिपी चाहिए वो मिल गई है। आपने मुझे काजू पिस्ता रोल बोला था बताने को वीडियो, लेकिन काजू पिस्ता रोल तो आपको बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो ये कुछ अलग है बादाम पिस्ता रोल। और फिर से एक बार माफी चाहती हूँ कि आपने दिवाली पे बोला था पर मैं नहीं कर पाई किसी कारणवश वो वीडियो। कोई बात नहीं, अभी लक्ष्मी तुलसी जी का विवाह होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उस वक्त आप ये मिठाई बनाइए। और मेहमान तो हमारे घर दिवाली होने के बाद भी आते ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। और मेरे चैनल सो स्वीट किचन में आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी सी बढ़िया सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।